हमारे साथ जो है कि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ जो है जितेंद्र चौधरी जी कांग्रेस की ओर से बने हुए हैं। आप दोनों की ओर मैं वापस आना चाहूंगी। अगर संदीप जितेंद्र चौधरी जी, पहले मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी कि आखिरकार बीजेपी के इस घोषणा पत्र को लेकर आप लोग किस तरह से समझ रहे हैं? क्या एक चुनौतीपूर्ण भरा ये घोषणा पत्र है कि आपकी घोषणा पत्र से कुछ ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं या क्या किस तरह से इसको आंक रहे हैं आप? ये घोषणा पत्र नहीं है। देखो, आम जनता के लिए जो पीछे 2014 में वादे किए थे वही दोबारा दोहरा दिया है ना, उसे कोई नया कुछ खास है नहीं लोगों के लिए, और ना ही जनता इस पर कोई भरोसा करने वाली है। आप मुझे बताइए, इसमें किसानों के लिए कह रहे हैं 2022 तक, ये हमेशा 2-4 साल आगे के लिए ना कोई इन्होंने टाइम दिया कि हम यहाँ जब तक किसानों के लिए आय दोगुनी कर देंगे या उनकी फसल खरीद का क्या व्यवस्था करेंगे, ना इसमें युवा वर्ग का ध्यान रखा गया है। अब कह रहे हैं हम 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अब से पहले भी बहुत सारे ये शिलान्यास कर चुके हैं, काम शुरू नहीं हुआ आज तक, 5 साल इनको हो गए हैं। तो ऐसे घोषणा पत्र पर ये नौटंकी पत्र इनका, सिर्फ चुनाव नजदीक आ गया लोगों को लुभावने के लिए, इसमें कोई नया नहीं है, ना ही जमीन पे जो पीछे काम किए कोई जमीन पे तो हमें दिख नहीं रहा। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अभी दो तीन महीने पहले कह रहे हैं जो कोर्ट का फैसला आएगा वो देखेंगे, बाकी अब कह रहे हैं हम मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ये 130 करोड़ लोगों को छलने का काम ये लोग इस घोषणा पत्र के नौटंकी पत्र के द्वारा कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है, इससे आम जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए, वो आम जनता तय करेगी, लेकिन आपके घोषणा पत्र में भी बहुत सी ऐसी बातें जो पिछले घोषणा पत्र में थी। आपका घोषणा पत्र इस वक्त मेरे सामने भी है, उन बिंदुओं में मैं समझ रही हूँ, देख रही हूँ कि पिछले घोषणा पत्र में क्या था, इस बार की घोषणा पत्र में क्या, हालांकि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बीजेपी का है। लेकिन जो बीजेपी ने वादे किए थे उसका रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है मिश्रा जी, कि हमने इतने इतनी चीजें पर जो है काम कर चुके हैं, अब हमारे का आगे का जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह का है। तो किस तरह का लिया जाए घोषणा पत्र को, अगर बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है तो? देखिए, चुनाव जीतने के हिसाब से देखा जाए सारी पार्टियां घोषणा पत्र करती हैं चुनाव को देखते हुए, ये हार्ड कोर फैक्ट है जो पार्टियां बताती नहीं है। उसमें वादे इरादे सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोक लुभावन हो, आदमी के मन मस्तिष्क को तुरंत प्रभावित कर दे। देखिए, मैं आपको बोलूं इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं, हमने कर लिया है, ठीक है, सरकार 5 साल रही है, 4-6 चीजें तो आपने अचीव किया ही होगा, इन्होंने क्वांटिफाई नहीं किया है। अगर पैरामीटर पे देखा जाए सक्सेस और फेल्योर के, इन्होंने बहुत सारे अपने फेल्योर को नहीं बताया, और कोई भी पार्टियां नहीं बताती है, वो हम और आप जैसे लोग बताते हैं। अगर गिनाना शुरू करूं इनके फेल्योर के या कांग्रेस के फेल्योर के, 70 साल के, 25 साल के, जो भी है, तो अचीवमेंट से ज्यादा फेल्योर है, सक्सेस से ज्यादा फेल्योर है इनके पास। अब देखिए, दोनों सारी पार्टियों का घोषणा पत्र देख लीजिए, उसका लबोलुआब क्या है, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस ये है कि मानसिक तौर पे तुरंत असर जो डाले, जैसे लालच देना, हाँ, मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकल वे में जो इन्फ्लुएंस कर दे, वोटर का ध्रुवीकरण कर दे, इसीलिए कांग्रेस ने कैश देने की बात की है, 72,000 रुपए। ऐसे मुद्दों का इम्पैक्ट बहुत तेजी से होता है। लेकिन बीजेपी ने इस जो वादे किए गए कांग्रेस की ओर से 72,000 रुपए देने की बात जो की गई है, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि अपनी योजना में कुछ बदलाव किया। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए ही सालाना दे रहे हैं वही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि आप जो 1,00,000 रुपए तक का कृषि लोन ले रहे हैं 5 साल तक, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है, 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन दी जाएगी, छोटे व्यापारी हैं उनको पेंशन दी जाएगी। तो समझ लें कि अगर सीधे तौर पर नहीं तो इनडायरेक्टली उन्होंने देखिए, नाक दो तरीके से पकड़ी जाती है, बड़े मतलब हिंदी में समझा देता हूं, सीधे पकड़ लो या घुमा के पकड़ो, काउंटर और इन मतलब वाद और प्रतिवाद, उत्तर और प्रतिउत्तर। उन्होंने 72,000 रुपए के लिए उन्होंने बोला तो इन्होंने पूरी जिंदगी का बीमा दे दिया कि जी पेंशन ले लो, मतलब पेंशन क्या है, मतलब कि किसानों को अभी तक पेंशन नहीं मिलता था। देखिए, ये जो चीजें होती हैं, पेंशन देना, ये सब चीजें जो होती हैं, मैं मानता हूं ये एक अच्छी चीजें हैं, लेकिन किसी का अगर आमूलचूल परिवर्तन करना है, उसको देश की इकोनॉमी को या एक वर्ग को अपने पैरों पे खड़ा करना है ना, तो उसके लिए ठोस ग्रोथ प्लानिंग की जरूरत होती है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं, 70 साल से आरक्षण चल रहा है, लेकिन आज भी वो एक वर्ग जिनको आरक्षण मिल रहा है वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अब कहने देखिए, सॉलिड फाउंडेशन जो होता है, ये घोषणा पत्र जितने भी है ना, अब जैसे आप देखिए, नोटबंदी का पिछली बार इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं किया था, जीएसटी का जिक्र शायद नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन इन्होंने नोटबंदी किया, जीएसटी किया। मेरे कहने का मतलब ये केवल 2 महीने के लिए घोषणा पत्र है,
होगा कुछ और। मैं बीजेपी की बात करूं, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में बोला था वो नहीं किया, जो नहीं बोला था वो किया। यानी अक्षय कुमार का एक डायलॉग कि जो मैं बोलता हूँ करता नहीं और जो मैं नहीं बोलता वही करता हूँ। तो ये दो महीने के लिए 2014 की जो बीजेपी की घोषणा पत्र में थी उसमें मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास था, केंद्र राज्य सरकारों के मध्य संबंधों का विकास था, ई गवर्नेंस की बात की गई थी, न्याय व्यवस्था का सशक्तिकरण की बात कही गई थी, अमीर गरीब के मध्य का जो अंतर है उसे कम करने की बात कही गई थी। मैं एक एग्जांपल दूंगा नैंसी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात होता है, ये पार्टियां मैनुपुलेट कैसे करती हैं। बीजेपी बड़ा वैश्विक स्तर पे भारत को उभारने की कोशिश कर रही है। मूल्य वृद्धि को रोकने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके यहाँ टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा है तो 15 रुपए आ गया, 6 महीने बाद फिर वो 20 पे पहुंच गया। मूल्य वृद्धि का अगर बीजेपी इंटरनेशनल लेवल पे भारत को गुरु बनाना चाहती है तो मूल्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि जब एक डॉलर के बराबर एक रुपया हो जाए, यानी डॉलर की जो बढ़ती हुई वैल्यू है उसके अगेंस्ट इंडियन करेंसी की भी वैल्यू बढ़े। यहां तो वो उल्टा हो रहा है, डॉलर पहुंच गया 70 रुपए के बराबर, 65 रुपए के बराबर, तो कहां आपने मूल्य वृद्धि कर ली, कहां आप इकोनॉमिकल पावर जो है अपने आप, ठीक है आप किसी पैरामीटर पे बन गए हो लेकिन मैं ओवरऑल बोलता हूं। तो कोई अगर बोले कि हमने महंगाई रोक दी है तो ये बहुत बड़ी वो चीज मैनिपुलेशन होता है। जब आपकी महंगाई रुकेगी ना तो अगर अच्छे तरीके से रुकी है सॉलिड वे में इकोनॉमिक के फंडे के आधार पे। जनता ये पूछना चाह रही है, इन्होंने जब सरकार बनी थी 2014 में इन्होंने SIT गठित करी काला धन वापस लाएंगे, तो बीजेपी बताए कितना काला धन वापस आया, अभी आंकड़े के इनके पास जवाब नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं आया। इन्होंने जनता से ये भी वादा किया था, हम तो इनसे ये भी पूछते हैं अब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो इन्होंने उसके बारे में जनता को मैनिफेस्टो में जो स्पीच दे रहे इसमें कुछ नहीं है युवाओं के लिए। इन्होंने ये भी कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर के बारे में ये 1992 से राम मंदिर बना रहे हैं, आज चल रहा 2019। मुझे ये बता दीजिए, जनता ये पूछ रही है 1992 से लेकर 2019 तक आज तक इन पर एक राम मंदिर नहीं बना, और इन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिए बनारस में, बड़ोदरा में, राजस्थान में, ये इनका इनको मैं आंकड़े बता सकता हूँ। और मुझे बताइए धारा को लेकर तो आपने भी बहुत बड़ा चिट्ठा लिखा है आपने, मैं आपके मैनिफेस्टो को भी देख रही हूँ, बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी देख रही हूँ, बहुत बड़ी बात लिखी गई है रोजगार को लेकर, उद्योग को लेकर, कई कई क्रांति लाने की बात की गई है, आधारभूत ढांचे को सही करने की बात की गई है, ग्रामीण के विकास की बात की गई है, शहर शहरीकरण और शहर नीति की बात की गई है, औपचारिक संगठित क्षेत्रों की बात, असंगठित क्षेत्रों की बात की गई है, कृषि किसान और कृषि श्रमिक की बात की गई है, तो बातें तो कुछ वैसे ही है, भले ही आपने शब्दों का हेरफेर कर दिया हो। नहीं, शब्दों के मुझे एक चीज बताइए आप, राहुल गांधी जी ने एक न्याय योजना जो लाई है वो तत्काल जो आज समय की जरूरत है, 6,000 रुपए महीना, किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कोई बुरी योजना, जो अच्छी योजना है उसका स्वागत करना चाहिए, परंतु सरकार में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे, तो वही तो सुषमा स्वराज कहती नजर आ रही है कि जो आंकड़े हैं उसमें कमी आ चुकी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई आंकड़े में कमी नहीं आई है, आप 5 साल का आंकड़े निकाल के देख लीजिए, किसानों की जो आत्महत्या बढ़ी है घटी नहीं है, किसान जो है किसानों के लिए जो कह रहे थे हम तो आय दोगुनी करेंगे, आज तक क्या उनके लिए इन्होंने कोई ऐसी स्कीम बनाई जिससे कि उनके अनाज को, सरकार के पास अनाज सब्जी रखने के लिए अभी रख रखा उनके पास, तो हमेशा एक ही जवाब होता है कि 70 सालों में तो आपने कुछ किया नहीं, हम 5 साल में क्या बहुत कुछ कर दें इसकी उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस या विपक्ष लगाए बैठा है। जो ये कह रहे हैं हमने 70 साल में कुछ नहीं किया, मैं बताना चाहता हूँ जब देश आजाद हुआ था जब 80% गरीबी थी हमारे पास कुछ नहीं था, आज की डेट में 20% रह गए हैं, ये 4 साल में तो हुआ नहीं। जो भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, जो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, हम भी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बनी है कांग्रेस की देन है, उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया इनको। सेना जो है हमारी आज विश्व की जो चौथे छठे नंबर पर है, वो कोई ऐसे नहीं बन, चौथी सेना जो बनी है वो कांग्रेस की देनी, जो उन्होंने सेना को बना के इनको दिया। विशेष अधिकार को आप कम करना चाहते हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, जम्मू कश्मीर में सेना के विशेष अधिकार को आप कम करना चाहते हैं, इसको लेकर अब आपको घेरने की रणनीति बनाई जा चुकी है। देखिए देशद्रोह के मामले को लेकर आपने कह दिया है, मैं क्लियर कर दूं आम जनता को पता हो जाए जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, जब इन्होंने महबूबा के साथ पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई थी, जो ये कह रहे हैं असफा का धारा 370-35 है, इन पे इनका बाकायदा मिनिमम प्रोग्राम था कि हम इनको छेड़ेंगे नहीं। अब जैसे ही चुनाव आ गया ये नौटंकी चालू कर देते हैं, ये करते हैं तो ठीक है, हमने आप बताइए वहां की स्थिति ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों से बात नहीं करनी चाहिए या बिना लोगों से बात करेंगे? यह पार्टी है मिश्रा जी, अगर दोनों ही घोषणा पत्र की हम तुलना करें, हालांकि बीजेपी इसको संकल्प पत्र कह रही है, बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस का घोषणा पत्र, दोनों की तुलना करें तो किसका बेहतर समझे हम घोषणा पत्र?
देखिए नैन्सी, आपका यह क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है और इसकी टेक्निकल एनालिसिस की जाए, जब दो चीजों की स्पेशली चुनाव के पहले घोषणा पत्र जो होता है मैनिफेस्टो, इसकी तुलना करें तो सबसे पहले नेचर वर्सेस नेचर की तुलना करें, यानी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ओवरऑल नेचर उसका क्या रहा है और इनका जो घोषणा पत्र है उसका ओवरऑल नेचर क्या रहा है। देखिए अगर आप नेचर देखिए तो नेचर में क्या चीजें कॉमन है, एक चीजें कॉमन ये है कि सपने, यानी ये फ्यूचर की बातें हैं, पास्ट की बातें कोई नहीं कर रहा है। हाँ। तो नेचर पर, नेचर अगर देखा जाए तो नेचर दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इन्होंने अच्छे खासे वादे किए हैं, लोक लुभावन वादे किए हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, ये सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन घोषणा पत्र में तो ऐसा ही होता है ना कि सपने दिखाए जाते हैं कि सपने पर कौन, जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है तभी तय होता है कि किसकी सत्ता होगी, क्योंकि 2014 में भी ऐसे ही हुआ था, बीजेपी पर लोगों ने भरोसा किया था। सही है, यहाँ सपने दिखाने का मतलब ये होता है, एक टर्म होता है फिजिबिलिटी, आप भारत के परिवेश में, भारत के पास जो संसाधन है और जो चुनौतियां हैं उसके परिवेश में आप उसकी फिजिबिलिटी देखिए, बोल देना आप उसको बोल दे रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी नहीं है तो प्योर मतलब शेख चिल्ली के हसीन सपने हो जाते हैं, ज्यादातर यही होता है और इसका पास्ट रिकॉर्ड है, जितनी पार्टियों ने घोषणा पत्र किया था आप 70 साल से उठा के देख लीजिए। अच्छा अब नेचर में और देखिए दोनों में भिन्नता क्या है, भिन्नता यह है कि कांग्रेस ने इमीडिएट इंपैक्ट, इमीडिएट इफेक्ट वाले कैश को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, जैसे 72,000 करेंगे यानी घाव पे मरहम लगाने वाला कि अन्याय जो हुआ है लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे, अब की बार ये उनका मेन मोटो है, इलेक्शन का स्लोगन है कांग्रेस ने। नेचर वाइज अगर उनके घोषणा पत्र में देखा जाए तो ऐसी चीजें बोली है कि मरहम लगाने वाली चीजें बोली है, कुछ ऐसा लगता है जैसे जनता बड़ी दुखी थी, बड़ी त्रस्त थी। बीजेपी के नेचर में, नेचर देखिए घोषणा पत्र का क्या है, इन्होंने एक बड़े अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से, जो अच्छी चीज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने वाकई में एक विजन प्रस्तुत किया है कि हम भारत को विकास के लिए कहां कहां लेके जाएंगे, जैसे लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं एक देश के लिए, जो चुनौतियां होती हैं, ठीक है, जैसे पानी की समस्या है, अभी पानी की समस्या पे भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, सिंधु नदी वगैरह, कई लोगों ने बोला भी है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो शायद पानी पे होगा, ये एक विजन है, ये एक सॉलिड और साइंटिफिक विजन है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि अगर नेचर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे प्लान्ड वे में बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजिक विजन रखा हुआ है, वो पूरा होगा कि नहीं होगा ठीक है वो दूसरी चीज है, वो हम दूसरे पैरामीटर पे एनालाइज करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने ये किया है कि पीछे की चीजों का बीजेपी ने क्या अचीवमेंट किया। अभी सुषमा स्वराज मैम बोल रही थी तो मैंने सुना, जितने इमोशनल अचीवमेंट होते हैं मतलब जिसकी कोई खास आप पैरामीटर पे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, एकदम डॉट क्वांटिफिकेशन कि हाँ भाई 100 नंबर का ये था तो 80 आया 50 है, उसको छोड़ के सारी चीजें उन्होंने कर दी, जैसे हमारा मान सम्मान बहुत बड़ा, इंडिया बहुत ग्लोरीफाई हुआ लोगों के बीच में, वर्ल्ड में, ये सारी तो चीजें होती हैं। भी तो रखेगी, पहला इतना था इसका जो है विकास का दर इस क्षेत्र को लेकर, इस बार हमने इतने जो है करोड़ की जो है योजना दी है, तो ये आंकड़े भी तो उन्होंने रखे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने योजना दी है उसके पीछे क्वेश्चन है, आपने कोई योजना दी, आपने बोला कि 33 करोड़ खाते खुले हैं, ठीक है, सॉलिड विकास के पैरामीटर पे आप देखिए, अगर आपको रिकॉर्ड बनाना है तो जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन के लिए रिकॉर्ड बन जाता है लेकिन सोसाइटी या देश में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है, रिकॉर्ड केवल रिकॉर्ड के लिए होता है। 33 करोड़ खातों में कितने खाते रेगुलर उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हर दिन महीने में 4 बार 5 बार हो रहे हैं, आप इस चीज को क्यों नहीं बताते, आप ये बताइए कि हमने ऐसे लोगों को 33 करोड़ लोगों को खाते खुलवाए जो कभी खाते नहीं खोलते थे और हमने रेगुलर उसमें इनकम मेंटेन की है, महीने का 10,000 20,000 50,000 रुपए ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो वो खाते बैंकों के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं उसको मेंटेन करना, ठीक ऐसे ही उज्ज्वला का है, आपने उज्ज्वला बांटा इलेक्शन के पहले बांटा, उसके बाद क्या वो चीजें रिपीट हुई, वो लोगों के लाइफ स्टाइल में वो चीजें आएंगी नहीं, 33 करोड़ खाते आपने खुलवा दिए लेकिन क्या बैंकिंग की हैबिट 33 करोड़ लोगों में डेवलप हुई कि नहीं हुई है, दिस इज माई क्वेश्चन। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि बैंकिंग क्षेत्र से हमने पब्लिक को, वंचित लोगों को जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि बैंकिंग की हैबिट आपने कल्टीवेट कर दी है 33 करोड़ लोगों में,
तो अगर किसी इकोनॉमिस्ट से आप पूछोगे, किसी बैंकर से पूछोगे, बैंक का फायदा, समाज का, देश का फायदा तब होगा जब वो लोग रेगुलर बैंकिंग करें, बैंकिंग की हैबिट डेवलप हो। 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी करने का वादा किया है। 1 लाख का जो कृषि लोन है उस पर 5 साल तक आपको कोई लोन नहीं देना है। 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी। छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सभी के लिए जमीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो किसान की जो समस्याएं हैं अगर वो दूर हो जाएं जैसा कि ये वादा किए गए हैं, तो आपको लगता नहीं कि किसान इससे खुश हो जाएगा कि भाई हमारी मूलभूत जो चीजें हैं वही मिल जाएंगी, तो हमें किस बात का गिला? नैन्सी देखिए, मैं आपको बताऊं, चीजें दो होती हैं। एक होता है सॉलिड जो है बैकबोन बना के किसी कंट्री का डेवलप करना, ताकि कंट्री लगातार डेवलप करती जाए। देखिए, कंट्री के डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी कंट्री के डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि जो वहां की पॉपुलेशन है, हर आदमी, हर परिवार अपने आप में एक घोषित तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम बन जाए, यानी अपने लिए भी वो प्रोडक्टिव हो, अपना, अपने परिवार का भरण पोषण करे, उसके साथ सोसाइटी और देश के लिए भी वो कॉन्ट्रीब्यूट करे। ये होता है। देखिए, ये चीजें जो होती है, मैं इसको फेवर करता हूं, फौरी तौर पर लोगों को राहत देना, किसानों को राहत देना, सारी चीजें होती हैं। जितनी भी ऐसी स्कीम्स या योजनाएं इन लोगों के कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में डाली गई हैं, जो कि फौरी तौर पे इमीडिएट राहत देती हैं कि भाई हम आपके बैंक अकाउंट पे इतना पैसा दे देंगे, हम आपको लोन जो है फ्री फ्रॉम जो है टैक्स या फ्री फ्रॉम जो है इंटरेस्ट आपको कर देंगे, ये कभी पूरी नहीं होती है, ये केवल चुनाव तक होती है। बीजेपी ने तो शुरू कर दिया ना, 6,000 का जो सालाना का बात की गई थी, 2,000 रुपए उसकी बहुत अच्छी चीज है। देखिए, इसकी भी तो जो है तारीफ करनी चाहिए ना, अगर कमियां हैं तो उसको समझना चाहिए। मैं वापस आपके पास आऊंगी जितेंद्र चौधरी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके में इसमें देखी थी न्यूनतम आय योजना, इसमें जिक्र किया गया है कि 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो कांग्रेस निर्धारित करती हुई चल रही है। वहीं पर इसकी मैं कंपैरिजन करूं बीजेपी के घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में, तो 2030 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। तो इन दोनों के कंपैरिजन को जब जनता एक एक बारीकियों को पढ़ेगी और समझने की कोशिश करेगी, तो नहीं लगता कि यहां पर आपका पलड़ा थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है? देखिए मैम, मैं आपको बता दूं, जब सरकार कोई आती है जो घोषणा पत्र में वादे करती है, तो पीछे 5 साल का रिकॉर्ड देखने के लिए काफी है। हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था, ये कह रहे हैं हम 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, इन 5 सालों से कम तो ये तो नहीं लगता है जो हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था वो नीचे डाउन हुई है। आप बताइए, रुपए हमने 98 रुपए छोड़ा था, आज की डेट में 70 के लगभग हो गया। उस समय मोदी जी चिल्ला चिल्ला के छाती पीट कर कहा करते थे अगर मनमोहन सिंह की उम्र के रुपया हो गया है, तो आज की डेट में बीजेपी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। अब मैं बताता हूँ दूसरी बात, आप बताइए, इन्होंने जो जनधन योजना, मैम तो सही है ना, आपके टाइम पे मनमोहन सिंह के उम्र का हुआ, बीजेपी के टाइम पे आडवाणी जी के उम्र का हो गया। अब डॉलर सर मुझे दो, तो दोनों पार्टियां तो यही कर रही है जो मैं बोल रहा हूँ। बोले ठीक है, आप रुकिए, आप सब चीज में लॉजिकल बोल रहा हूँ सर, आप हर चीज में नकारात्मक देखो, मैं किसी में ढूंढ सकता हूँ नकारात्मक, तो सोचिए मतलब सकारात्मक सोचिए। मैं नहीं कह रहा बीजेपी ने काम नहीं किया, परंतु मैं उसके कुछ उदाहरण वाले सकारात्मक सर में हम नहीं देखते। सर मैं कुछ मान रहे कि बीजेपी ने काम किया है। सर मुझे ये बताइए, इन्होंने जब आप ये मान रहे कि बीजेपी ने काम किया है, देखो मैं ये नहीं कहता कि किसी ने जितने वादे किए थे 20% किए, 80% खोखले वादे थे। आप मुझे बताइए, इन्होंने जनधन योजना कहा, जैसे अभी अखिलेश जी कह रहे थे, मिश्रा जी, इन्होंने जनधन 33 करोड़, ठीक है, जो जनधन योजना के तहत इन्होंने करा क्या, जनता से इन्होंने पैसा जमा करवा के और मिनिमम बैलेंस के नाम पर 10,000 करोड़ रुपया चुपके से निकाले, लोगों को पता भी नहीं चला। तो बताओ, लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, अब ये पैसा गया कहाँ? लेके विजय माला जी, नीरव मोदी जी, फलाना जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, सबूत जनता मांगती है कि सबूत है इसका? सर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, आप अपने रिकॉर्ड चेक करिए, 10,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पे भारत सरकार ने पैसे अकाउंट से काटे बैंकों ने, ठीक है जी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने बहुत कहा था ये हमारा बड़ा ऐतिहासिक कदम है नोटबंदी का, रात में घोषणा करी थी, आप मुझे बताइए, जब 2015-16 में नोटबंदी हुई तो उस समय हमारी जीडीपी क्या थी, 8.1%, 16-17 में घटकर 7.1 रह गई और 17-18 में 6.1 आ गई। आप मुझे बताइए, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? काला धन आया नहीं, जो ढिंढोरा पीट रहे थे, लगभग 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया देश का। इतना पैसा कम से कम कई राज्यों का विकास हो सकता था, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो इन्होंने ऐसी बर्बाद कर दिया। दूसरा आते सर, 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 राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कहा था कि सर, नहीं सर, लाएंगे इसको, उसको भी सर, मैं राम मंदिर में नहीं जाता, मैं अभी रुक जाइए, और ये तो सब समय का अभाव है सर। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ, अब मैं जीएसटी के नाम पे आता हूँ सर। जीएसटी
जीएसटी ठीक है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कदम है। आधार और अधूरा व्यापारी तीन तलाक का तो विरोध कर दिया ना आपने, और उन्होंने कहा कि हम तो ये कानून लाएंगे, फिर से मैनिफेस्टो में लग गया। बताइए एक राष्ट्र एक कर कहां हो गया। दूसरा मुझे बताइए विश्व में कोई ऐसा कानून है जो कानून लगाया आप कोई व्यापारी मानो समझ करो रिटर्न दाखिल करने से लेट हो जाता है, जैसे इनकम टैक्स भी आप लोग हम भी करते हैं, तो उसमें ब्याज ही तो लिया जाता है, यहाँ ब्याज भी और पेनल्टी भी। किस तरीके से पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं, जनता की जेब से पैसा निकाल लिया और प्रचार मंत्री बने हुए हैं, अपने प्रचारों में पैसा कितना खर्च कर दिया आप बताइए। जनता के साथ धोखा नहीं है ऐसा विश्व में कोई कानून नहीं है जिस कारण से ब्याज भी लिया और उसमें पेनल्टी भी 200 रुपए पर डे की ले रहे हैं, तो ये कहां का कानून है। तो हम इसको सरल करेंगे, ये राहुल गांधी जी ने कहा है गारंटी से। चलिए देखेंगे घोषणा पत्र या संकल्प पत्र दोनों में किस पर जो है जनता ज्यादा विश्वास करेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि बहुत सवाल है कि समय का अभाव है, आप दोनों यहां तक आए, अपनी अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की जनता ही तय करेगी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र किस पर ज्यादा भरोसा जताना है, और 2019 का चुनाव ही तय करेगा जब मतदान सामने आएंगे, मतदान के बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। और लगातार खबरें बनी हुई हैं एफएम न्यूज पर अपडेट के साथ, जो भी खबर इससे जुड़ी हुई है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए एफएम न्यूज। हमारे साथ एके मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एके मिश्रा जी। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी है कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एके आपके पास आना चाहते हैं, सवाल यही है कि अभी हाल ही में हमने कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उस घोषणा पत्र को पढ़ा, काफी करीबी से आपने समझा भी और उस दिन भी हमने चर्चा की थी, आज मौका दूसरी तरफ है, आज बारी भारतीय जनता पार्टी की है। अभी तक जो भी 5 साल का हम दौर देखें या पिछले 2 महीने से चुनावी दौर की बात करें, लगातार जुबानों की बात करें, आपको क्या लगता है किस तरह का ये विजन डॉक्यूमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें नया क्या नजर आएगा? अजितेश देखिए, मैं दो पार्ट में इसको एनालाइज करूंगा, एक तो पब्लिक के लिए और देश हित के लिए, और दूसरा इलेक्शन के टाइम या पॉइंट ऑफ व्यू से चुनावी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पब्लिक और देशवासियों के लिए मेरा ये मैसेज है, ये कहना है, ये रिक्वेस्ट है कि ये सारी पार्टियों के जो विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र होते हैं कुल मिला के एक ही चीज लिखी रहती है कि हम इस देश को स्वर्ग बनाएंगे और देशवासियों को स्वर्गवासी बनाएंगे, और वो कर रहे हैं। तभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो बहुत सीरियस इसको नहीं लेना चाहिए। अगर ये होता तो 70 साल इलेक्शन हुए हैं और 500 पार्टियां हैं, इतने विजन डॉक्यूमेंट हो गए, मुद्दे हर विजन डॉक्यूमेंट में वही होते हैं, गरीबी भ्रष्टाचार। रही बात चुनावी का, देखिए बीजेपी ने इसको बाद में क्यों किया, हर काम करने में बीजेपी जो विपक्ष से 2 कदम आगे है वो विपक्ष के काफी दिनों के बाद कर रही है, और जब ये वोटिंग का फेज एकदम लास्ट फेज में चल गया है, ये एक उत्तर का प्रत्युत्तर देने की, उन्होंने पहले कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद पॉइंट वाइज, चूंकि इनकी एनालिटिकल टीम बहुत स्ट्रांग है और बहुत कई पैरामीटर पे एनालिसिस करके आप देखिएगा इनके एक एक चीजें, वो जो इनकी मौलिकता थी कहीं ना कहीं वो खत्म हुई रही होगी, और ये काउंटर करेंगे विपक्ष के या महागठबंधन के विजन डॉक्यूमेंट को, मुद्दों को। इसीलिए जिस विकास की गाथा 2014 के बाद से लगातार गाई जा रही है उसमें एक दो शब्द इस्तेमाल कर किए जाएंगे ऐसा खबर है, विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और ये जाहिर सी बात है कांग्रेस के घोषणा पत्र पढ़ने के बाद ही इसमें ज्यादा जोर दिया जाएगा। देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, हिंदुत्व के मुद्दे पे अभी कांग्रेस सॉफ्ट हुई है, और देखिए सॉफ्ट हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े हिंदूवादी हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये चुनावी मेघ हैं, मतलब बारिश है, चुनाव देख करके ये लोग गरजते हैं या बरसते हैं, लेकिन हिंदुत्व देखिए जो बैकबोन है सारे मुद्दों का, जो बैकबोन है बीजेपी का वो है हिंदुत्व या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे राम मंदिर हो चाहे कोई भी हो, तो हिंदुत्व को तो इनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनके विजन डॉक्यूमेंट से अलग नहीं कर सकते। विजन डॉक्यूमेंट भी दो तरीके की होती है, एक होती है रिटेन में जो ये लिख के देंगे, दूसरी बहुत सारी चीजें विजन डॉक्यूमेंट में ये लिख के नहीं देते हैं लेकिन चुनावी भाषणों में उन वादों को करते हैं, बोलते हैं, तो मैं उसको भी एक अघोषित विजन डॉक्यूमेंट मानता हूं। हो सकता है ये डायरेक्ट वे में ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना करें इसमें कि हम 4 महीने के भीतर राम मंदिर बना देंगे, लेकिन चुनाव में इसका शोर ये जरूर कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो आप इस विजन डॉक्यूमेंट को सारी पार्टियों को दो पक्षों से देखिए, एक तो घोषित जो इन्होंने लिख के दिया है,
और एक अघोषित, अघोषित में भी दो होता है, जो ये खुलेआम बोलते हैं और कुछ अंदर अंदर अपनी पार्टियों में अपने गुटों में ये करते हैं जो पब्लिक तक नहीं जाता है। कानाफूसी की खबरें कभी कभी टीवी पे आप लोग दिखा देते हैं, जैसे एमपी इलेक्शन में वहां के एक कांग्रेस के नेता थे, कुछ मुसलमानों के कान में कानाफूसी करके बोला था, वायरल हो गया था, तो वो भी एक अघोषित मतलब लेटेंट लीगल डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, वो भी घोषणा पत्र। तीन पार्ट में आप इसको देखिएगा, देखेंगे। और अब थोड़ी देर बाद जाहिर सी बात इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जितेंद्र चौधरी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मैं सवाल करूं उससे पहले आपसे ये जानना जरूर जानना चाहूंगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र की जब बात हो रही है तो आप कांग्रेस के तो है ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन देश के नागरिक भी हैं, किस तरह की उम्मीद आप इस घोषणा पत्र से करते हैं? राजनीतिक सवाल नहीं है क्योंकि राजनीतिक सवाल अगला होगा, बताइए। देखिए, जब 2014 में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था तो सभी देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को बड़ी उम्मीद थी। अब जिस तरीके से इन्होंने घोषणाएं की है, हमारे लिए बहुत कुछ उम्मीद थी, हमारे लिए बहुत कुछ करके जाएंगे, परंतु क्या निकला? आज 5 साल पूरे हो गए हैं, उसमें से 20% काम बीजेपी पूरे नहीं कर पाई है, लगभग नहीं तो अन्य पार्टी के जितने घोषणा पत्र हैं, ये सच्चाई है, लगभग 80-90% लोग बाग मैनिफेस्टो के 70-75 तक तो कर ही देते हैं, ये 20% पूरे 5 वर्षों में काम नहीं कर पाई है। जनता ने इनसे उम्मीद रखी थी, इन्होंने वादा किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में तो देखो इन्होंने रोजगार देने का सबसे, जो लोग इन्होंने कहा था कि हमने 1 लाख लोगों से सर्वे किया है पिछले घोषणा पत्र में, हम जो है जो आम लोगों की जो तत्काल समस्या है उनको हम निजात दिलाएंगे, उसमें रोजगार की समस्या थी, रोजगार देने की बजाय लगभग जो रिपोर्टें आ रही है 1.25 करोड़ लोगों के लगभग रोजगार चले गए हैं, देने की तो बात छोड़ ही दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम न्यूनतम आय, वो किसानों की दोगुनी आय कर देंगे और उन्हें फसल का उचित दाम दिया जाएगा। जब सरकार में बैठ गए ये लोग आके, जब इनसे काम नहीं हुआ तो ये 2022 के गुणगान करने लगे। अब समय लगता है, हमें 5 साल हुए हैं, हमें कुछ समय दे दीजिए, और हवाला देते हैं पिछले 60 साल का। अरे भाई, इनको ये पता होना चाहिए 60 साल में इनको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया था जो भी पीछे सरकार रही है, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस रही, जिनकी सरकार रही है उन सब लोगों ने देश के लिए सहयोग करा और एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म बनने के बाद ये लोग असफल रहे। अब मुझे आप बताइए जो कहां रहे असफल, जो सर 20% का, अब मुझे बताइए जब स्कूल का बच्चा 100 में से 20% नंबर लाएगा तो उसे फेल कहेंगे पास कहेंगे? वो उसको अगली क्लास में एडमिशन भी नहीं देंगे। तो यही कारण रहा है बीजेपी जो है, जो पीछे का मैनिफेस्टो है उसमें 20% ही काम कर पाई, ना तो रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार का सवाल ये कि अगर 22 लाख नौकरियों का जिक्र कांग्रेस करती है तो वो करेगी कैसे? क्योंकि सुनिए, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी एके ने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छी बात यह कि कहने में क्या जाता, कह दीजिए, लिखकर भी दे दीजिए, मुंह से भी बोल दीजिए। सवाल यह कि आखिरकार सरकार में आप भी रहे, 10 साल रहे, और आज 5 सालों में आप कह रहे हैं कि देश गर्त में चला गया, हम आएंगे 22 लाख नौकरियां दे देंगे, 72,000 रुपए देंगे साल के अंदर, ये कैसे होगा और अब तक क्यों नहीं हुआ? सर मुझे एक चीज बताइए, जब हम मनरेगा लाए थे यूपीए की सरकार में, बीजेपी पार्टी ने अन्य पार्टियों ने बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था, अखिल 100 दिन रोजगार लोगों को कैसे देंगे, नहीं, ये रोजगार जो 22 लाख ही मनरेगा वाला है, ये भी क्लियर कर दीजिए। नहीं, मनरेगा का नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो युवाओं को रोजगार है क्या मनरेगा के थ्रू मिलेगा? जो हम उससे मत जोड़िए, तो भाई इधर अलग करिए ना, मैं वही आ रहा हूँ, 22 लाख पर आइए। हाँ देखिए, जो देश में खाली पद पड़े, रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, जैसे बताइए ना कैसे उनको फॉलो करेंगे आप, कैसे उनको फिल कर पाएंगे आप, कहाँ पड़े हैं वो, कैसे जगह बनाएंगे, कुछ तो होगा रोडमैप डिपार्टमेंटों में, कह दिया बस। सर देखो, ये अभी हमने घोषणा पत्र जो जारी किया है, जब हम सरकार में आएंगे आपको एक एक चीज बताएंगे, और ये गारंट... तो सब कहते हैं ना सर, सरकार नहीं, के नहीं, पहले सब, नहीं, सब नहीं कहते, जो सब हम कहते हैं, जो हम कहते हैं करते हैं। आपने कहा ये पैसा कहां से आएगा, अब मैं बताता हूँ, मोदी जी ने जो किसानों के लिए 2,000 रुपए की किस्त दी है, कहां से दिया? उन्होंने अपनी जेब से दिया क्या? जहां से उन्होंने दिया वहीं से नहीं देंगे ना, 72,000 वहीं से देंगे, से तो कोई नहीं देता, 72,000 वहीं से नहीं देंगे ना, जेब से, देश के पास इतना पैसा है। अजितेश, मैं आपको बताऊं, अजितेश मैं आपको बताऊं, गरीब लोगों के लिए चूंकि इन नेताओं को, चूंकि एक सेकंड में आपके पास हम आ रहे हैं, एक सेकंड में आ रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल ये है कि वो 2,000 रुपए जेब से नहीं दे रहे, 72,000 तो ये भी जेब से नहीं देंगे, और दूसरी बात जेब से तो हमारी जाएगा। मैं यही तो बोलता हूँ, क्योंकि इन नेताओं को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल जेब से तो देना नहीं होता है, हमारे दाएं जेब से निकाल के बाएं जेब में लगा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तो क्या फर्क होता है बोलने को? तो इन्होंने 72,000 बोला है ना, बीजेपी ने मान लीजिए 6,000 दिया है ना, मैं बोलता हूँ मैं 72 लाख दूंगा, अरे लो टैक्स मैंने डबल कर दिया, आ गए,
इन लोगों की सिंपल पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। यही रीजन है कि आप देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं बिल्कुल, कि बीजेपी ने जितना 2014 का अपना घोषणा पत्र दिया उसमें से 20% भी पूरा नहीं किया। और यही बीजेपी वाले दूसरी पार्टियों के बारे में बोलते हैं। ना आप बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूं, ये नेता लोग ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम सारे लोग मिलकर के फेल है। जब अपनी जेब से नहीं देना होता है तो घोषणा करने, देखिए ये सब घोषणावीर है। अभी देखिए हो सकता है कुछ ऐसा होगा कि अगले 5 सालों में, देखिए घोषणा, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये पार्टियां ये ना कर दें कि भाई हम हिंदुओं के लिए यहां से स्वर्ग तक सीधे सीढ़ी बनवा देंगे जो रावण नहीं कर पाया। हो सकता है इनका है। और कोई एक पार्टी ये बोलेगी ना कि आप हमें वोट दो, यहां से लेके मक्का तक हम आपको एकदम 6 लेन की टनल बनवा देंगे, दो सुबह नमाज यहां पढ़ो, शाम को वहां पढ़ो, दोपहर यहां पढ़ो, आके अपने ऑफिस में काम करो। ये देखिए घोषणा पत्र वाले, ये घोषणा वीर है, जरा आने दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। बिल्कुल, हम इसीलिए बैठे भी हैं और लगातार बैठे रहेंगे। आज नहीं, सारी पार्टियों की घोषणा पत्र पोस्टमार्टम कर देंगे। देखिए मैं भी आपके साथ हूँ आज इसमें, क्योंकि सवाल ये कि सिर्फ ऐलान करने से नहीं होता है ना संदीप द्विवेदी जी, थोड़ी देर बाद घोषणा पत्र का ऐलान हो जाएगा, विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी उसे कहती है, संकल्प पत्र। सवाल यह है 2014 निकल गई, 2019 आ गया, क्या कुछ कार्यकर्ता के तौर पर, आम आदमी के तौर पर आप चाहते हैं? मैं राजनीतिक सवाल आपसे भी पहला नहीं कर रहा हूं, आम आदमी के तौर पर आज एक राष्ट्रीय पार्टी का जो सरकार में है उसका विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है, आप इससे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए मैं ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल टिप्पणी बात की बात है, पहले वो दूसरा सवाल करूंगा। एक आम आदमी के तौर पे अगर आप देखिए तो देखिए एक आम आदमी के तौर पे देखिए पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं सरकार ने एक भरोसा जगाया है। पहले जहां कहीं ना कहीं मनरेगा की बात की जाती थी, 100 दिन के रोजगार की बात की जाती थी और 100 में से 90 दिन दलाल खा जाते थे और एक आम आदमी को 10% पहुंचता था, जैसा कि इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी कहना था। दूसरी चीज, आप अगर प्रधानमंत्री जी को मोदी जी की लीडरशिप को लेकर पिछले 5 साल का कार्यकाल देखिए, आज उन्होंने देश में कहीं ना कहीं डिफेंस में बहुत बड़े तौर पर काम किया जो हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि चीन जैसे लोग हमारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे। दूसरी चीज, एक आम आदमी जी, एक सेकंड रुकूंगा, मेरा सवाल सिर्फ पहला इतना है, सिर्फ इतना सवाल है, आम आदमी के तौर पर सरकार से, एक राष्ट्रीय पार्टी से आप क्या चाहते हैं, घोषणा पत्र में अपनी मांग रखें? नहीं देखिए, एक आम आदमी के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ, राष्ट्र सुरक्षा हर राष्ट्र की सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। मुझे भी अपने राष्ट्र से प्रेम है और मैं भी चाहूंगा कि मेरा राष्ट्र सबसे मजबूत हो, बॉर्डर एरिया सबसे ज्यादा सिक्योर हो, रोज रोज की गीदड़ भपकियों से हमें छुटकारा मिले। दूसरी चीज, रोजगार की जहां तक बात कीजिए, अगर आप देखिए लगभग 53 से 55 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, जनता के बीच में ये भरोसा तक नहीं जता पाए थे कि जनता को कभी भोजन भी पूर्ण रूप से मिलेगा। आप बेसिक चीजों को लेकर हमेशा डिमांड रहती थी, बिजली, पानी, सड़क और भोजन की बात। आज अगर आप बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, पानी की बात नहीं कर रहे हैं और आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं ना कि फूड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ ना कुछ काम किया है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा अंतर आप देखिए, मनमोहन के 10 साल में आप देखिए क्या था, इंडियन मार्केट जब प्रोडक्शन हब बन सकता था हमने उसको इंपोर्ट का हब बना दिया, चाइना का सब माल हमने अपने यहां डंप किया और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बर्बाद कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी, आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े और 2000 रुपए महीने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगे। नहीं देखिए, अब उसमें भी आऊंगा, हमने सबसे पहले मेक इन इंडिया क्यों लॉन्च किया, कहीं ना कहीं आपको इंडिया में नौकर से ज्यादा मालिक पैदा करने पड़े। मैं गया था सर, कभी मैं ग्रेटर नोएडा गया था, गाजियाबाद भी गया था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर भी गया था और सवाल सबके साथ यही था और लोगों का कहना भी था, खास तौर पर एक यूथ का बता रहा हूं मैं, जब उनसे बातचीत की गई तो साफ तौर पर उनका कहना था कि कंपनी तो आ रही है, लग भी रही है, रोजगार शून्य है, खासतौर पर स्थानीय लोगों के लिए। उसको लेकर आपने क्या किया, कोई पॉलिसी बनाई कंपनीज के लिए? आपने स्वागत तो किया उनका, वो यहाँ पर आई, फैक्ट्री भी लगाई, क्या आपने कोई पॉलिसी बनाई कि स्थानीय युवाओं को इतना रोजगार मिलेगा? अगर किया तो बताइएगा जरूर। नहीं देखिए, और कितना रोजगार मिला उसको लेकर? देखिए अजितेश जी, अगर ईपीएफओ हर साल 1 करोड़ का आंकड़ा एनरोलमेंट का दिखा रहा है, वो भी तब जब यूएन नंबर कंपलसरी हो गया है, एक व्यक्ति दो बार एनरोलमेंट नहीं करा सकता, तब अगर 1 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है तो कहां से आ रहा है? इसका मतलब नए एनरोलमेंट हो रहे हैं, पुराने एनरोलमेंट नहीं है ये। दूसरी चीज, अगर आप देखिए वर्ल्ड की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमी हम आज बने हैं, तो कहीं ना कहीं टर्नओवर हुए हैं, ट्रांजेक्शन अगर हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ फेक ट्रांजेक्शन हुए होंगे, कहीं ना कहीं लोगों ने परचेजिंग की है और सेलिंग की है, उसके बेस पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। देखिए हम जिस एम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेसिकली है क्या कि कांग्रेस अभी तक सिर्फ नौकर बनाने के लिए फैक्ट्री बना रखा था उन्होंने, हम 22 लाख रोजगार। एक तस्वीरें दिखा देते हैं बीजेपी कार्यालय से, तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लोकार्पण, और रामलाल यहां पर अभी मौजूद है और भी कई लोग यहां पर जुटेंगे। सीधी तस्वीरें दर्शकों को बता दें, इस वक्त देख पा रहे हैं
आगे भी लगातार हम चर्चा भी इस पर कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। संदीप अपनी बात पूरी करें। देखिए, हम 22 लाख रोजगार की तो बात करते हैं, क्या क्या 22 लाख से आप उन 14-15 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे जो आज बेरोजगार बैठे हैं? आपको कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये सवाल सिर्फ इतना था सर कि मेक इन इंडिया में किसान कहां है इस देश का, पहला सवाल। और उसी मेक इन इंडिया की जिसकी दुआई आप बार बार दिए जा रहे हैं, उसमें आम तबका कहां चला गया? क्योंकि सड़क पर रेडी लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कहां है? मेक इन इंडिया के तहत आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं देखिए, अब दूसरी चीज आप बात करिए किसानों की। अगर हमने 6000 रुपए साल की किस्त अगर किसानों को दी है तो क्यों दी है? एक 2-3 एकड़ जमीन के किसान को सीड मनी अगर आप देखिए तो खाद बीज पाने के लिए 6000 रुपए साल पर्याप्त है। अगर अब उसको 6000 रुपए आप समय पे देते तो आज वो लाखों के कर्ज में नहीं होता उसको। अगर आप देखिए तो नॉर्मली 10-15 हजार लेता है और 2-2.5 लाख रुपए 72000 का आप नहीं स्वागत हम तब करते हैं। हम अगर करिए ना, हमने अगर 6000 दिया है तो पहले हमने अब ये ज्यादा दे रहे हैं। हमने टैक्स कलेक्ट करके करके किसी आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि जो चोरी हो रहा था पैसा, जो लीकेज हो रहा था और जो टैक्स बचा के लोग कहीं ना कहीं चोरी कर रहे थे वो वसूल करके हमने 6000 रुपए दिया है। 2000 बताएंगे क्या कहां से आया? मैं आपको क्या बताइए, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा? आप बताइए मोदी सरकार ने 1% भी टैक्स बढ़ाया? वो तो हम ही दे रहे हैं ना, 90% से ज्यादा आइटम आज 0% की कैटेगरी में। वो तो हम ही दे रहे हैं ना टैक्स, हम भाई तो बढ़ा ना, तो आप वहाँ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 5 साल के अंदर किसानों की स्थिति सुधार नहीं होगी, संदीप कौन सा टैक्स बढ़ाएंगे? संदीप नहीं, आप 5 साल में हमने आपके ऊपर 5 साल में तो बार आप कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा, जो नहीं दे रहे थे वो देने लगे, नहीं जो नहीं दे रहे थे वो देने लगे। रहे थे जो टैक्स नहीं कर रहे, जहाँ आपसे पैसा कर रहा जाता था, आपको नहीं लगता 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर संदीप स्वामीनाथन आयोग की कितनी रिपोर्ट आपने लागू कर दी, कितनी चीजें आपने लागू कर दी? अगर आपको किसानों की स्थिति सुधार नहीं होती, हमने ऊपर आपके ऊपर टैक्स गन्ना किसान सारण के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर गन्ना किसानों की चीजें आपने पता है तब से मैं नहीं मिला आपको। लेकिन समय आने पे हम राजनीतिक पप्पू की तरह 2000 रुपए 5 साल में, अगर आप 2000 रुपए देने को मजबूर हो रहे हैं तो आपका विकास कर रहे हैं? 5 साल में 2000 दिया, 5 साल में पहले वसूला, 5 साल में 5 साल में आप 2000 रुपए नहीं दे रहे किसान को, 5 साल में आप 2000 रुपए देने को मजबूर हो गए आखिर में? मजबूर हो ये किसानों के लिए काम किया आपने? बड़े बड़े स्टेप लेके हमने कलेक्शन बढ़ाया, 2000 रुपए आखिर में आप देने को तैयार हुए तो ऑब्वियसली आपको अपने किसान को मजबूर करना पड़ेगा, आर्थिक तौर पर भी करना पड़ेगा। आप सुनिए, देखिए मैं बड़े विनय के साथ बोलूंगा कि भाई मैं मानता हूं बीजेपी ने 6000 रुपए दिए और किसानों का हित करना था, मैं उनके इस सोच का स्वागत करता हूं। सवाल यह है साहब, इतनी टैलेंटेड पार्टी, इतनी आइडियोलॉजी, यही चीज अगर आप आते ही सोच लिए होते तो शायद हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। चुनाव के 2 महीने पहले एक किस्त दे देना, बाकी की किस्तें चुनाव जीतने के बाद जब हम रहेंगे तब। कहने का मतलब दो चीजें होती हैं। एक होता है, खबरें आती है ना कि अभी जैसे छापा पड़ा एमपी में, कल से पड़ रहा है, वोटों की खरीद फरोख्त होती है 500,000 रुपए देकर के न्यूज आती रहती है, जो कि असंवैधानिक है, गलत है। मैं इसको संवैधानिक तरीके से, मैनिपुलेटेड तरीके से वोटों की खरीद फरोख्त बोलता हूं। दूसरी चीज और है, आप 500 रुपए महीने दे रहे हैं और एक फैमिली में, किसान की फैमिली में 5 मेंबर अगर मान लिया जाए, खेत पानी बीज वगैरह ये सारी चीजें दे, 500 रुपए महीने में साहब क्या बात कर रहे हो सर, 500 रुपए महीने में तो 500 रुपए महीने में तो हम जैसे गरीबों का भी कुछ नहीं होगा, उसको तो बीज पानी कीटनाशक दिया जा रहा है। सर मजाक मत करिए, कम से कम जो किसान इतने परेशान है 500 रुपए महीने देके मजाक मत करिए। आप कॉन्सेप्ट को लेके कंफ्यूज है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो बताइए। अच्छा कॉन्सेप्ट बता दीजिए, परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं दिया जा रहा, उसको खाद बीज पानी के लिए दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट बताइए, अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपना परिवार का आसानी से वो पालन पोषण करेगा। दूसरी चीज आप कहते हैं कि सरकार ने 6000 रुपए, आपने बोला पालन पोषण, कैसे पालन पोषण इनडायरेक्ट नहीं है? मैं बोल रहा हूं 500 रुपए महीने में, आपको पता है आप अभी मार्केट में 500 रुपए महीने में जिसके पास 2-3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर है कीटनाशक दवाओं के, सर जरा जो मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है जाके जरा दाम देखिए क्या है, कितना वो कर लेगा। हम रहे हैं गांव में, हमें पता है गाय का गोबर भी अगर खेत में डालना होगा 1 महीने में तो 500 रुपए में आप नहीं खरीद पाओगे। और जिस दिन खरीद लीजिएगा ना, आप गाय का गोबर जाके खरीद के देखिएगा। अरे मैं भी एक किसान हूं, मुझे आप खरीद लीजिएगा तो बताइएगा कितना पैसा चाहिए होता है 2 एकड़ जमीन के लिए। मेरे मेरा संदीप जी, मेरा आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी से विरोध नहीं है, मेरा विरोध ये है इतना अच्छा आइडिया आपने आते ही अगर कर दिया होता तो शायद बहुत कल्याण हो गया होता। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 1 महीने पहले चुनाव के लिए किया। मेरा क्वेश्चन ये है, एक सेकंड में आ रहे हैं संदीप, सवाल सिर्फ इतना ही सा है, आपके पास आएंगे इसका जवाब हम लेंगे, उससे पहले जितेंद्र के पास भी चलेंगे यहाँ पर। जितेंद्र जी, अब आप ये बताइए, सवाल ये है कि आपका घोषणा पत्र आ चुका है बीजेपी का, आने वाला है,
आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपको बीजेपी के 2000 रुपए खराब लगते हैं तो आप 72000 रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं चुनाव के समय, अभी तक आप भी हालांकि आपने ऐलान नहीं किया और आप सरकार में भी नहीं थे। अजितेश एक क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा। जी जी, बीजेपी देखिए ये फैक्ट है, हम छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए, छठी क्या तीसरी चौथी हो गए हैं। बीजेपी ने टैक्स रिफॉर्म भी किया है, पैसे बहुत आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बड़े पैसे हैं, पब्लिक के पास हो या ना हो। जब इतने पैसे होते हुए बीजेपी नहीं दे पा रही है 72000 रुपए महीने, तो इनसे पूछिए ये कैसे देंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है जितेंद्र एक सेकंड में आ रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है इन चीजों की, सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं इस वक्त। ये बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें आ रही है, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं ये जो इस वक्त पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 20 लोगों की, जिन्होंने घोषणा पत्र को यानी कि बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, और वही की अब तस्वीरें, थोड़ी देर बाद ये ऐलान जो है वो हो जाएगा, और थोड़ी देर में ये ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार घोषणा पत्र में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ तैयार किया गया है, जनता को क्या कुछ मिलेगा, इन तमाम चीजों को आप तक हम पहुंचाएंगे। निर्मला सीतारमण भी पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय में, और तमाम लोग इस वक्त उनका जुटना शुरू हो गया है, और ये तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट भी आप तक हम पल पल पहुंचाते रहेंगे, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, और सुनते हैं आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। जयवीर शेरगिल क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। 5 वर्ष में इस देश में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाथ में आईना लेके बैठना चाहिए। भाजपा को संकल्प पत्र नहीं बल्कि एक माफी पत्र जारी करना चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने इस देश के किसान, नौजवान और जवान को ठगा है। भाजपा को अब 2019 के संकल्प पत्र पे प्रवचन नहीं करने चाहिए, बल्कि 2014 के जो चुनावी वचन थे किस प्रकार वो पूरे नहीं किए, उसका हिसाब और जवाब इस जनता को देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा संकल्प पत्र नहीं माफी। और अब कुछ और तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, और चूंकि उनका इंतजार हो रहा था पहुंचे, और थोड़ी देर में मानकर चलिए अब ऐलान शुरू हो जाएगा क्या कुछ विजन डॉक्यूमेंट में रखा गया है। अमित शाह पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए, और यहां से चूंकि कोशिश यही थी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद रहें, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, जाहिर सी बात है 5 साल सरकार उन्होंने चलाई और जिम्मेदारी उनकी बनती है, और इसीलिए यहां पर आगे अब क्या कुछ होगा जो विजन डॉक्यूमेंट में जिसका जिक्र किया जाएगा उसके ऐलान के लिए खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद हैं, थावरचंद गहलोत वहाँ पर मौजूद हैं, सुषमा स्वराज वहाँ पर हैं, राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है, और इस बार खास ये कि आम लोगों की राय भी इसमें रखी गई है, जो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है उसमें आम लोगों की राय भी कलेक्ट की गई है, लोग क्या चाहते हैं, और उसको एड ऑन किया गया है। और लखनऊ का भी रुख करेंगे, जमील अहमद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जमील, आपसे थोड़ी देर बाद ऐलान हो जाएगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ की क्या हलचल है, क्या चाहते हैं इस विजन डॉक्यूमेंट से, क्या कुछ तैयारियां। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी घोषणा पत्र अभी तक जारी कर चुके हैं, और आज जो भारतीय जनता पार्टी जो कि सुबह की या फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी सियासत लिहाज से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है, आज वो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, और ऐसे में उनके साथ बड़े नेता जो होंगे मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, ऐसे तमाम जो बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मौजूद होंगे। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी होगा इसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी बातचीत की जा रही है, और तमाम जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर रहा है और एक जिम्मेदारी के रूप में भी अपने 5 साल के कार्यकाल में वो निर्वहन किया है, तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि जिस तरीके से संकल्प पत्र आज जारी होगा तो उसमें तमाम मुद्दे हो सकते हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सुझाव मांगा था, पिछले पूरे देश भर से सुझाव भी मिले, और देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसानों के लिए किस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी सरकार 5 साल की सरकार की उपलब्धियां यानी कि रिपोर्ट कार्ड भी उसमें शामिल हो सकता है। आप देखना दिलचस्प होगा कि बस कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है वो जारी होगा, और देश में जिस तरीके से चुनावी माहौल गर्म है, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करेंगे क्योंकि तमाम मुद्दे जिनको लेकर बातचीत हो रही है। जितेंद्र आपके पास यहाँ पर हम आना चाहेंगे,
अब सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र का जब जिक्र हो रहा है तो तमाम ऐलान आप भी पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बीच क्या समझा जाए कि जब बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में तीन शब्दों का जिक्र हो रहा है, विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास को छोड़कर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से आखिरकार परेशानी क्या है कांग्रेस को? देखिए, हमारे देश में जितनी भी पार्टियां रही हैं 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ बीजेपी सिर्फ विपक्ष को अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करने में लगे रही। ना तो इन्होंने किसानों को पे ध्यान दिया, ना युवा पे ध्यान दिया, ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना चिकित्सा पे ध्यान दिया। सिर्फ ये साबित करने पे लगे रहे ये लोग, अब हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। अभी पीछे आडवाणी जी ने इनको ट्वीट किया था बीजेपी को, समझ लेना चाहिए। अब हमारे देश में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही है। हाँ, तो हम, आप उनको मौके देंगे ना अगर जितेंद्र, तो क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, नहीं, हमने, का बयान हमने, तो आपको भी याद होगा। सर हमने कोई मौका, मौका तो आप ही देते हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, जिस पार्टी के दो बड़े बड़े नेताओं ने अपने छातियों पे गोली खाई, एक बम ब्लास्ट से मारा गया, क्या वो देश के खिलाफ हो सकता है? पित्रोदा आपको याद है? सर मुझे तो ये बताइए, जब ये पित्रोदा आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सुनो सर, ये ऐसा तो देखो तमाम पार्टियां नहीं नहीं छोटे मोटे कोई जो भी छोटे मोटे में जाने नहीं ना, दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे आज। हाँ, मैं दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूँ और किसी की कोई बात नहीं। क्यों इन्होंने येदुरप्पा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मौका कौन देता है? आपके घोषणा पत्र में क्यों जिक्र किया जाता है कि कश्मीर को लेकर अलगाववादियों से बातचीत की कोशिश होगी? आपके में क्यों जिक्र किया जाता है कि हम कोशिश करेंगे सेना कम हो, एफएसपी में छूट देंगे, क्यों होता है? ठीक ये पोलराइजेशन के लिए नहीं है क्या? मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है, जो कश्मीर की जनता है वो कोई हमारी दुश्मन तो है नहीं, नहीं? हमारे देश के नागरिक है। सुन लीजिए सर, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी वहां पे लोगों को संतुलन बनाने में असफल रही है। आज की डेट में ये सच नहीं है क्या कश्मीर में वहां के लोग हमारे विरोध में क्यों बोल रहे हैं? इनकी नीति रीति जो वहां पे गलत है, बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में ये कहा गया है, हम लोगों के बीच सेना के बीच एक संतुलन बनाएंगे। संतुलन की राजनीति कर, संतुलन नहीं बना पाए, हमारे साथ बना लेंगे। हमारे समय आप लोग थे कि नहीं थे, हमें बता रहे सब आइडिया आप लोगों के दिमाग की बत्ती, उस वक्त इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं जवाब दे रहा हूँ सर, नहीं चली सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। जितना दो पिछले 5 सालों में कश्मीर की स्थिति खराब रही है, क्या 70 सालों में इतनी कभी स्थिति खराब नहीं रही? अलगाववादी करेंगे बातचीत, ये सोच लीजिए, अलगाववादी बातचीत करेंगे क्या जितेंद्र? सर मैं अलगाववादी की बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जो अलगाववादी करेंगे क्या संतुलन को बनाएंगे क्या उनसे अगर बातचीत होगी? कश्मीर के जनता की क्या हालत खराब है? इसके बैठे बिठाए फ्री में उनको मिल रहा है, आप बोल रहे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सारे सबसे ज्यादा सब्सिडी उनको मिल रही है, अभी कितना ऐशो आराम आप वहां की जनता को देना चाहते हो? सर अब उन सबको उठा करके जब आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो अपने पीएम हाउस में उनको निवास दे दीजिएगा, तब जाकर के न्याय होगा। सर मुझे एक चीज बताइए, आप केवल एक ऐसा इकलौता सर है जहाँ पे इतनी चीजें फ्री में जा रही है, पूरे देश के लोगों की चीजें फ्री में जा रही है, और आप बोल रहे हैं कि वहाँ की जनता प्रॉब्लम में है, दुख में है? मेरी बात सुन लीजिए, अरे आप यूपी में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, आज भी लोग वहाँ पर हमारी बात तो सब्जी खाने को नहीं मिलती है, घास खा रही है और सरकारें आप ही बोलते रहेंगे, हमें बोलने नहीं देंगे, आप ही बोल लीजिए। मैं मेरा कहने का मतलब ये है, जो प्रेजेंट में सरकार थी वहां मेरा सवाल सिर्फ इतना था, कश्मीर को छोड़ दीजिए, मेरा सवाल सर सिर्फ इतना था कि अगर बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से आपको समस्या है तो फिर आपको खुद आप उसके लिए समस्या बनते हैं, खुद आप इनको मौका देते हैं। नहीं, नहीं, जब कश्मीर का ही जिक्र ज्यादा करते हैं घोषणा पत्र के अंदर, वहां कोई अलगाववादियों से बातचीत करते हैं। अरे सर एक बात बताइए, कश्मीर में बातचीत होगी अलगाववादी करेंगे क्या? सर अलगाववादी वहां की जनता से बातचीत करेंगे, अलगाववादी से हम बात नहीं करेंगे, वहां की जनता से बात करेंगे। क्यों घोषणा पत्र में जिक्र होता है? यदि जनता वहां पे करने का वादा क्यों किया जाता है? वहां की जनता से बात करेंगे तो अलगाववादी नेताओं को क्यों निमंत्रण देते हैं, उनको क्यों बुलाते हैं, क्यों तहरीज देते हैं, क्यों Z+ Security दिया है? उनको खारिज करो, उनको हटाओ, बोलो कि पब्लिक टू गवर्नमेंट डायरेक्ट डायलॉग होगा। क्यों पाकिस्तान से फिर बात करते हैं? मैं दोनों की बात, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, क्यों अब कांग्रेस वाले जो है पाकिस्तान को तवज्जो दे, क्यों आपके नवजोत सिंह सिद्धू चले गए वहां पे? मेरी बात सुनिए, आपने नवजोत सिंह पब्लिक टू गवर्नमेंट आपने नवजोत सिंह की बात करी, पब्लिक वर्सेस कश्मीरी, सर 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 मेरी बात सुनिए, आपने नवजोत सिंह को सुलझा लेंगे, पब्लिक सुलझा लेगी, सरकारें हट जाए। आप मुझे बताइए, बंदूक का खूब जोर दिखा लिया, बिना बातचीत के कोई व्यवस्था नहीं होती, करेंगे ही बताइए ना। हमारी यूपी सरकार का जोर कश्मीर के नागरिकों के लिए नहीं है, बंदूक का जोर आतंकवादियों के लिए था। आपके कहने का मतलब, जब कांग्रेस के टाइम में सेना अगर आतंकवादी को मारती थी तो वो बंदूक का जोर था,
सर मुझे बंदूक का जोर सुनिए, भारतीय सेना अपने बंदूक का मुंह तभी खोलती है दुष्टों के लिए खोलती है। सर अब चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे राष्ट्रपति शासन रहा हो, आप मेरी एक बात तो हमारे हमारे सशस्त्र सेनाओं का जो हथियार है आप उसके ऊपर कलंक मत लगाइए। मैं सेना हथियारों के ऊपर कलंक करिए। आप ये मत बोलिए कि भारतीय सेना ने अगर बंदूक का मुंह खोला है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो अन्याय किया है, मेरी बात सुनिए। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, यदि वहां की जनता उधर तो आतंकवादियों के शिकार हो रही है, उधर पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही है, उसको सहन कर रही है क्या? अब उनके साथ बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए। एक सवाल ये है, तफसील से आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज जब ये विजन डॉक्यूमेंट आएगा, खबर आ रही है कि 370 का भी इसमें जिक्र हो सकता है, एक बार फिर से ये हो क्यों ना? अगर कांग्रेस इस पर आपत्ति करती है, अगर आप घोषणा पत्र में कश्मीर के तमाम उन पहलुओं को छू रहे हैं, फिर वो चाहे अलगाववादियों से बातचीत का हो, कश्मीर की समस्या का हल करने का वादा हो, सेना को कम करना हो, तो ऑब्वियसली बीजेपी तो उसको रीड करके ही बनाएगी ना, और ये तो मुद्दे पहले से उनके। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस ने ये बोला है ना कि भाई मतलब थोड़ा सा लिबरल उन्होंने अप्रोच अपनाया है कश्मीर के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे लिबरल वे में। देखिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी कुछ अलग नहीं करेगी, इसी की काट देगी बैलेंस करने के लिए, और वो हार्ड लाइनर टाइप का होगा कि हम आएंगे तो धारा 370 हटा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस तरीके से वो उसको प्रूफ करेंगे कि ताकि लोगों को भाई 370 का तो इन्होंने पहले भी चर्चा की थी, वादा किया था, घोषणाएं की थी, वो हो नहीं पाया पूरा। तो ये चाहेंगे कि जो हमारा पहले का जो वादा था उसके कारण जिन लोगों ने हमें वोट दिया वो वोट बैंक हमारा फिक्स रहे, ये दिखाना ये चाहेंगे कि हम अभी भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इस चीज के लिए और अगली बार हम इसको कर देंगे, ताकि ऐसा मैसेज ना जाए कि जी बीजेपी ने तो किया नहीं। ये यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन होगी अगर ये बोलते हैं कि अगली बार हम 6 महीने में धारा 370 हटा देंगे। राम मंदिर का ये चीज देखना है, ये तमाम चीजें डैमेज कंट्रोल के लिए होंगी। ममता दिल्ली से जुड़ गई, ममता कितना कितनी देर और फिलहाल क्या खबर आ रही है विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, क्या कुछ पता चला, क्या कुछ खास ऐलान इसके अंदर हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अजितेश आपको बताऊं, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में तमाम लोग पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, तमाम लोग पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। और कभी भी ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 12 बजे से घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का वो जारी होगा, जिसे प्रधानमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। अगर हम संकल्प पत्र की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है इस बार सबसे जो अहम मुद्दा होने वाला है 370 को लेकर होगा। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के संकल्प पत्र में राम मंदिर को लेकर फिर से जिक्र करती है, क्योंकि इससे पहले भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही राम मंदिर का जिक्र किया है और राम मंदिर बनवाने की बात कही है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर, इसके अलावा जिस तरीके से 3 तलाक का मसला है, इन तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा काफी समय से मैनिफेस्टो की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, तमाम टीम बनाई गई थी जो लोग अपनी अपनी राय जो है, इसके अलावा आपको बता तकरीबन 10 करोड़ लोगों से भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर लोगों से राय ली थी कि आखिरकार आगामी जो सरकार है 2019 में जो सरकार बनेगी उससे आप लोग क्या कुछ चाहते हैं। तो तकरीबन 10 करोड़ लोगों के घरों से राय मशवरिया भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। उन तमाम चीजों को भी संकल्प पत्र में मेंशन किया जाएगा, जारी किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि तकरीबन 12 बजे के आसपास जब संकल्प पत्र जारी होगा तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जानने के बाद किन किन मुद्दों को शामिल करती है। हालांकि कितनी देर, लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट का ऐलान होगा, क्या कुछ वादे उसमें ऐड किए गए, इन तमाम चीजों को सामने रखा जाएगा। चलिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे ममता, अब तक हम आ रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं जो कि बाहर उन्हें रिसीव करने गए थे, और अब देखिएगा कुछ ही देर में इसका ऐलान होगा। मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, थावरचंद गहलोत, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बीजेपी के नेता रामलाल, तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ममता पहुंच चुके हैं पीएम मोदी मंच पर, अब कितनी देर और यहां पर, क्योंकि टेक्निकलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें अब क्या कुछ वहां पर होगा।
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, यानी कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तुरंत ही घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का वो जारी किया जाएगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि 12 बजे के आसपास से शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले जो है संबोधन होगा, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, मंच पे जो तमाम लोग बैठे हैं उनके बारे में कहा जाएगा, और इसके अलावा जो विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र है, उसके बारे में भी एक ब्रीफ दिया जाएगा और उसके बाद संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। ये वो प्रोसेस है जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र से पहले अख्तियार करेगी। सभी लोग कहा जा सकता है कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, तो अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का, ताकि पता चले कि आखिरकार 2019 चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो देश के लिए क्या कुछ करने वाली है। आ रहे ममता आपके पास, संदीप क्या एक ही जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिस डैमेज कंट्रोल की बात इस घोषणा पत्र के जरिए हो सकती है, 370 को लेकर बात करें, राम मंदिर को लेकर जिक्र करें, कितनी उम्मीद है कि उसमें इसका जिक्र किया जाएगा? देखिए, पहले मैं धारा 370 पे क्लियर कर दूं। धारा 370 को लेके भाजपा का क्लियर विजन है कि धारा 370 हटानी है और एक देश एक झंडा आपको करना पड़ेगा। आप एक देश में दो संविधान, दो विधान और दो झंडों को लेकर नहीं चल सकते। ये पहले से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की का भी ये नारा रहा है। दूसरी चीज कैसे होगा, देखिए फॉलो करने के लिए हम इसी 5 वर्ष में चाहते थे कि हम उसको खत्म करें, लेकिन टेक्निकली जब तक राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा और जब तक विधानसभा से रिकमेंडेशन वहां से नहीं आएगी, तब तक उसको खत्म करना आसान नहीं है, और हम अभी कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट्स पे कमजोर थे। दूसरी चीज, अगर आप राम मंदिर की बात करिए तो राम मंदिर मुद्दा आज कहीं ना कहीं कोर्ट से बाहर है और मध्यस्थों के बीच में है। इसके बाद कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो अलग चीज है, लेकिन राम मंदिर मुद्दे को लेकर मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र में जिक्र करने की अब जरूरत है, क्योंकि हमारा 5 साल में मुद्दे को कोर्ट से बाहर करने का टारगेट था, वो हमने किया और मुद्दा आज मध्यस्थों के बीच में, मध्यस्थ अपना जल्दी कोर्ट को रिपोर्ट दे देंगे और उस हिसाब से मंदिर पे आगे काम किया जाएगा। एक चीज सवाल ये है कि 370 पर मैं पहले आना चाहता हूं, उसके बाद मैं जरूर एक एक की बात चलूंगा क्योंकि उनकी राय की बेहद जरूरत है। ये जब 370 की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि बहुमत राज्यसभा में नहीं था, लेकिन इसको लेकर कोशिशें भी तो नहीं हुई ना सर? नहीं, कोशिशें भी नहीं दिखी। नहीं देखिए, कोई तैयारी हुई हो, कोई कमेटी बनाई गई हो, उसको लेकर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? 5 साल में मामला शून्य पर रहा है। नहीं देखिए, पीडीपी से बल्कि पीडीपी के साथ सरकार भी बनाई है। वही चीज, पीडीपी से अगर के साथ अगर हमने सरकार बनाई थी तो उसके पीछे दो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी। एक तो हमने 6 महीने से ज्यादा वेट किया कि हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि इलेक्शन के बाद तुरंत इलेक्शन स्टेट पर रिपीट करना कहीं ना कहीं एक बजट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं सरकार का भी, लोकतांत्रिक जनता का भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से थोड़ा सा विश्वास उठता है। दूसरी चीज, हमने पीडीपी के साथ एक कोशिश की थी कि धारा 370 है वहां के परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए, विकास को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से बॉर्डर एरिया है।